सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो डीडी पंजाबी दे इस मंच से स्टूडियो दे विच। और हर वार की तरह एक बार फिर उस समय से अपनी रवायत अनुसार एक वीज़ा माहर नूं लैके हाज़र हाँ। सो अज वीज़ा माहर साडे नाल हाज़र ने RS ग्लोबल तो सुखचैन सिंह राही जी। सो राही साहब बहुत स्वागत है जी। थैंक यू मनीष जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों मेरी समुची टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी सो राही साहब, कनेडा की की खबर सारा की लगता है? कनेडा का हुण सुनिया सी कहिंदे क्यूबैक ने भी थोड़े दरवाजे जिहड़े होर वड्डे करते हैं, तो जिहड़े बच्चे काफ़ी लंबे समय तो उड़ीक करते पे सी, थोड़ा जिहा साह सौखा होना शुरू होया? बिल्कुल मनीष जी, तुसीं जिहड़ी गल कर रहे सी 6 दिन पहला एक वीडियो 5 दिन पहला वीडियो पाई सी यूट्यूब चैनल पर, एंड घट्टो घट्ट कुछ घंटों में ही वीडियो के हज़ारों तक व्यूज पहुँच गए, पर लोगों तक वो आवाज़ पहुँची। वो वीडियो क्यों पाई गई सी? असीं अपने यूट्यूब चैनल पर एक लड़ीवार सिलसिला शुरू किया गया RS ग्लोबल इमीग्रेशन का यूट्यूब चैनल, हुणे सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि तुहानू सवाल जवाब साढ़े उस चैनल राही मिल सकन। सो यूट्यूब पर सानू ना ज़्यादा कमेंट्स मिले सी कि क्यूबिक दे पासपोर्ट की रिक्वेस्ट बारे अपडेट इन्फॉर्मेशन दिओ। बहुत वड्डी गिनती च एक वर्ग है स्टूडेंट का, मैं गल करा जे 100 बच्चा कैनेडा अप्लाई किया तो घट्टो घट्ट 50 तो 55 यहोजी एप्लीकेशन जो कलियाँ क्यूबिक या कलियाँ मॉन्ट्रियल लगियां सी। बच्चा बड़ा वड्डा वर्ग है, बड़ी वड्डी लॉबी है जी, कन्फ्यूज या परेशान या दुचित्ती की स्थिति में सी कि पता नहीं मेरे वीजे कदों लगे क्यों होंगे। सो उन्होंने लैके वीडियो एक यूट्यूब पर अपलोड की गई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख सकते हैं कि क्यूबिक के पासपोर्ट रिक्वेस्ट कदों आएगी या कदों वीजे होंगे। बट यस, इस मंच से जरूर इन्ना दस दिना कि तकरीबन 3 अलग अलग कॉलेजेस के जिन्हें माइलस्टोन कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, एवलन कॉलेज के तकरीबन 32 पासपोर्ट रिक्वेस्ट साड़ी आई हैं। उदों तक 3 शायद अच्छ फिर आई हैं, हाल मैं ऑफिस नहीं गया, सीधा स्टूडियो आ गया। तो टोटल जो 35 पासपोर्ट रिक्वेस्ट जब 35 बच्चों के वीज़ा अपरूवल की गल करिए तो उस तकरीबन 9 से 10 वीज़ा रिक्वेस्ट पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई ने मॉन्ट्रियल दिन तिना कॉलेज दी। सो एवरेज लैके चलिए 3 पासपोर्ट रिक्वेस्ट, 3 से 4 वीज़े एक कॉलेज के कैनेडा के लग के आए हैं। कोई एक बार रिफ्यूज सी बच्चा किसी के एक चो 5.5 भी सी, एंड कई बच्चे योजे भी जिन्हें पढ़ाई 5-6 साल का गैप भी सी। वो सारिया प्रोफाइल असी होर 2 हफ्ते बाद अपने फेसबुक पेज पर यूट्यूब पर बच्चों के टेस्टीमोनियल जारी कर देंगे, क्योंकि पासपोर्ट रिक्वेस्ट पाई गई है। घट्टो घट्ट 1 महीने का समा लग रहा पासपोर्ट स्टैंप हो के वापस आने के रिक्वेस्ट आने तो बाद। सो घबराने की लड़ नहीं दोस्तों, रात भी साड़ी जूम पर मीटिंग चल रही थी कैनेडा के अलग अलग 3 कॉलेजेस के नाल, सारे जिहड़े कॉलेज जिहड़े च कैनेडा कॉलेज है, CDA कॉलेज है, मैट्रिक्स कॉलेज है, उन्होंने सारे कॉलेज के जिहड़े सीनियर अथॉरिटीज़ ने जिहड़े मतलब उन्होंने मेन ऑथराइज्ड ने जिहड़े कोई डेलीगेट्स ने या कोई प्रिंसीपल लैवल की गल करिए या उन्होंने हायर मार्केटिंग मैनेजर्स की गल करिए तो उन्होंने कहना कि तकरीबन अप्रैल के पहले वीक तो मैं 31 मार्च तो बाद बोलिया अपनी वीडियो में, सो 31 मार्च तो बाद अप्रैल के पहले वीक के सुखावियां खबर आने की संभावनावान ने। एंड उम्मीद करता कि RS ग्लोबल सब तो पहला उस सुखावी खबर की जी शेयर जरूर करेगा अपने RS ग्लोबल के पेज पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर। सो घबराने की लड़ नहीं दोस्तों, ये ना सोचो भी वीज़े नहीं आने, बड़ी वड्डी लॉबी है जिन्हें बच्चों ने कैनेडा मॉन्ट्रियल अप्लाई किया। उस वीडियो में पूरा डिटेल समझाया, कोई न्याणे कहते जी कॉलेज बंद हो गए 10, कोई कह रहा जी उन्होंने 10 कॉलेजों के वीज़े नहीं आने, कोई कह रहा जी कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गए, वो सारिया सुनिया सुनिया गलों ने। एक्चुअल वर्ड सिगा टैंपरेरी सस्पेंशन ऑफ CAQs टिल 31 मार्च। सो 31 मार्च तक इन 10 कॉलेजेस के जो CAQ सस्पेंड किए गए थे उन्होंने जोड़े ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं, एंड वो डिसीजन जोड़े होने 31 मार्च तो बाद जाने कि अप्रैल के पहले वीक तो होने शुरू हो जाएंगे। सो बट ये ये भी दस दिए कि लोगों से ना बड़ी बच्चों जी वीडियो यूट्यूब पर पाई उस असी भी बोलिया अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहते हो कमेंट बॉक्स जाके छोड़ो, और उस घट्टो घट्ट मुझे 100-150 बच्चे ने आपस कॉन्वर्सेशन करते थे, मैं भी कैनेडा कॉलेज तो हाँ, मैं कहता CDA कॉलेज तो हाँ। सो आपस बच्चों डिस्कशन करने का एक वधिया मतलब शायद उस वीडियो ने एक प्लेटफॉर्म भी जारी करता। सो अगर तुम भी किसी भी टॉपिक पर कोई डिस्कशन सुनना चाहते हो, चर्चा सुनना चाहते हो, या किसी कन्फ्यूजन तो बाहर निकलना चाहते हो, चाहे कैनेडा चाहे ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट्स कदों चलनगियां या न्यूजीलैंड दरवाजे कदों खोलेगा या यूरोप किन्ना बच्चे पढ़न जाना चाहिए या फिर यूक्रेन के लैके अच्छ गल करा 2 मिनट वो बारे भी यूक्रेन कितने स्टूडेंट को जाना चाहिए, क्योंकि जो यूक्रेन की वीडियो मैं पिछले हफ्ते एक वीडियो पाई तो काफ़ी मैनू फेक एजेंट ही कहूँगा, उन्होंने फेक ID बना बना के यह पूछा भी RS ग्लोबल हुण यूक्रेन भी बच्चे भेजेगा, मैं कह यूक्रेन कि मतलब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कह कोई मंगल ग्रह के बच्चे भेज रहा यूक्रेन भी कैनेडा वगू, UK वगू, USA वगू, सिंगापुर वगू, साइप्रस वगू एक मुल्क है, तो ऑफकोर्स प्रमोट करते, बट कि बच्चों ने यूक्रेन जाना चाहिए कि नहीं, वो बारे वीडियो भी पाई गई है। तुम भी किसी भी टॉपिक पर चर्चा करवा चाहते हो
ਸਾਡੇ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਟੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੋ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਊਬੈਕ ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਊਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਟਡ ਨੇ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, 24-25 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਰ ਐੱਸ ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ। ਆਰ ਐੱਸ ਗਲੋਬਲ ਪੂਰਾ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ MOI ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 50% ਫੀਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਫੀਸ 16-18 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9-10 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3.5-4 ਲੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 3.5-4-5 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਫੀਸ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ, ਬਟ 50% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। 12,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਡਾਲਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਡਾਲਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ 58,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਬੈਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ 6, ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ, 1-5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਲਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ, 16 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ 20-25%, 15-15%, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਖ 2-4 ਲੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਪਈਆ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ? ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 9 ਲੱਖ ਭਰੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ 18 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 50,000-60,000 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਪੂਕੇਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਪ ਭਰਨੀ ਹੈ, GAC ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ +2 ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1st ਈਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, 2nd ਈਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ,
कंटीन्यूटी खत्म होगी, नहीं कंटिन्यू की ग्रैजुएशन, वो स्टूडेंट भी अपलाई कर सकता। बट बारहवीं वाले बच्चे लिए यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम इन्नी घट फीस अवेलेबल नहीं है। बारहवीं वाले बच्चे लिए ऑफकोर्स बाकी यूनिवर्सिटियों वगू फिर उही 18-20 हज़ार डॉलर साल की फीस है। बट ये ऑप्शन सिर्फ ग्रैजुएट स्टूडेंट जिन्होंने प्लस टू करके 3 साल का डिप्लोमा किया उन्होंने लिए है, या फिर जो ग्रैजुएशन कंटिन्यू नहीं पढ़ सके उन्होंने ऑप्शन अवेलेबल। ओवरऑल 6 बैंड, 1 मॉड्यूल साढ़े पिंड बैंड टोरोंटो ब्रैम्पटन वैनकूवर सरी कैनेडा के किसी भी शहर तो कॉलेज तो रिफ्यूज हो चुके हो एक बार चाहे 4 बार ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਪ ਆਊਟਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ? ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਬਟ ਯੈਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $14,000 ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IT ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। GAC ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਰਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, $12-15 ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ 6500 ਤੋਂ 7500 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਲਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਲਰ $200-400 ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ LOA ਦੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ LOA ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਾਲਜ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਮ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਓਵਰਆਲ 6, 1 ਚੋਂ 5.5, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, 2 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 2 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ 70-75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਓਵਰਆਲ 6, 2 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਔਫਕੋਰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਬਟ ਬੈਟਰ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਆਇਲਸ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 70-500-9, 70-500 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ, 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ, 70-509-70-509, 7050970-509, 70-509-70-509 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟਡ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਮਿਟਡ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ, RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਕਰੇਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ, ਹੋਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਟਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ 60-65% ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਇਲਸ 6-6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ 2 ਚੋਂ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, UK ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਹੋਲੈਂਡ, ਮਾਲਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ,
प्लस टू की या दसवीं की या बी ए की कोई काम धंधा कर रहा 10-15 हज़ार रुपया तनखा ले रहा परिवार दो बच्चे भी ने वाइफ ही आ नहीं सैटमेंट फील कर रहा कि मैं जिंदगी चंगी लैवल ग्रोथ कर रहा और कितने ना कितने वो ना इलीगल रस्ते राही यूरोप पहुँचने की कोशिश करता क्योंकि गरारी अड़ी जी मेरे मासी का मुंडा इटली बैठा कहता आ जा मैं संभाल लूँगा गरारी अड़ी है भी फ्रांस मेरा मामे का मुंडा बैठा कहते आ जा मैं संभाल लूँगा वो लोग की करते हैं फिर ज़्यादातर दुआबे की बैल्ट असी उस पार्ट हाँ बट दुआबे ज़्यादातर लोग यूरोप के दो नंबर इलीगल एंट्री लैके बैठे ने अज का मैं पता नहीं बट अज तो कोविड तो पहला जरूर पहुँचला प्रोसैस जलंधर के भी कई एजेंट मोहाली चंडीगढ़ अमृतसर के भी करते जिन्होंने कोई दफ्तर नहीं कोई लाइसेंस नहीं घर चो दफ्तर ऑपरेट करते हैं 15 लाख रुपये लैके बंद यूरोप पहुँचा देंगे शानी में पहुँचा देंगे उन्होंने बच्चों के लिए उन्होंने लोगों के लिए ऑप्शन बिल्कुल सोने के सुहागा रब का पूरा सीधा सीधा आशीर्वाद वाली गल है जिते तुम 15 लाख खर्च के उस मुल्क दो नंबर से पहुँचना कला 30 दिन का वीज़ा लैके उत्थे लीगली साल का वीज़ा लैके केवल 3-4.5 लाख तक पहुँच जाया जा सकता 2.5 लाख तो खर्चा शुरू हो जाता कोई सारी एडवर्टीजमेंट चली है उस 2.5 से 3 लाख लिखा सो 2.5 से 3 लाख तक खर्चे आते हैं डिपेंड फीस किन्ने चिर की भर रहे हो डिग्री से जा रहे हो या लैंग्वेज कोर्स जा रहे हो 4 लाख तो उपर खर्चा नहीं होता सारा कुछ पा के जिस साल की फीस 3 महीने की एकोमोडेशन TRC कार्ड का खर्चा तुहाडी एयरपोर्ट पिकअप ये सब चीज़ा पा के 4 लाख टोटल खर्चा आता तो जे तुम 4 लाख रुपये जब यूक्रेन पहुँचते हो जाके उत्थे 9 महीने 10 महीने 12 महीने लैंगुएज कोर्स करके अगे फरदर किसी कंट्री का वीज़ा अपलाई करते हो या फिर यूक्रेन ही रह के फरदर बैचलर मास्टर कर दो तो जिंदगी जिहड़ियां ऑपरचुनिटीज़ ने जिहड़े रस्ते ने कई पास खुल जाते फिर कि जा बंदा अच्छ बिल्कुल डेड एंड ते बैठा जिथे अगे दीवार आ गई ना दीवार टुट सकती तो ना रस्ता कि यूटर्न लिया जा सकता बट यस जो यूक्रेन बंदा पहुँचता दीवार के फिर बच्चे रस्ते लगने या रस्ते खुलने शुरू हो जाते बच्चे को मैं यूक्रेन पढ़ के अगे की फ्यूचर बनाना जा यूक्रेन तो अगे मैं होरना चंगी कंट्री वड्डियां कंट्री किवें निकलना बिल्कुल योजे लोगों को जानना चाहिए जी उम्र घट्टो घट 35-40 साल हो गई है या नहीं आइल्स कर सकता नहीं ज़्यादा नंबर हूँ अच्छ बच्चा है तुम भी मनीष जी सियाने बथेरे साल तो इस इंडस्ट्री इमीग्रेशन है पत्रकारी की है अज जे बच्चे नंबर 35% है जोड़ा बच्चा 10वीं या 12वीं पढ़िया पढ़ाई 20 साल का गैप पै गया दसो कि मुल्क वीजा दिता पर उस बच्चे ने कोई रब ने माँ थोड़ी बारे कि मैं बाहर नहीं जा सकता अजो बच्चा मत्था फड़ के बैठा जी मैं नहीं बाहर जा सकता मेरे कर्मा च कनेडा अमरीका ज बहरले मुल्क लिखे नहीं वो यार अच्छ सवेर के भुलिया इन शाम को भुलिया नहीं कहते अच्छ तुम रस्ता मिल रहा शुरुआत करो सो किनू जाना चाहिए किनू नहीं जाना चाहिए मैं लगता मैं थोड़े मिनटों से समझाने की कोशिश जरूर की है बाकी डिटेल वीडियो असं अपने यूट्यूब चैनल जरूर साझी करा यूक्रेन बिल्कुल जाना चाहिए उन्होंने लोगों को जिन्हें पढ़ाई गैप 10-15 साल का जिन्हें खर्चा घट कर सकते हैं जिन्हें आइल्स नहीं की जिन्हें अंग्रेजी नहीं बहुती बोल सकते जिन्हें नंबर घट इन बच्चों इन एप्लीकेंट्स जरूर यूक्रेन पढ़ के यूक्रेन जाके अपने भविखले पास चंकी शुरुआत करनी चाहिए बट यूक्रेन जाने तो पहला वो प्रोज एंड कॉन्स जरूर देख लो सिक्के दो पहलू होंगे पॉजिटिव भी नैगेटिव भी मैं इस मंच से बह के ना तो मैं यूक्रेन सिफत करनी है तो ना मैं इतने उन्होंने माड़ा गिना तुम आप रिसर्च करनी कि मेरा जरा मेरा पैसा जो मैं 2-3-4 लाख रुपये ला रहा कि यूक्रेन जाके मैं पूरे कर सकता अपने लैवल से रिसर्च करो हज़ारा लखा वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है जाके उसते रिसर्च करो अगर तुम लगता कि यूक्रेन पढ़ के मैं एक चंगा भविख बना सकता कम बैक टू अस आर एस गोबल के जलंधर मोहाली अमृतसर दरवाजे खुले ने 100% वीज़ादार है सारे पैसे लवेंगे वीज़ा लगने के बाद सो यूक्रेन पढ़ के एक चंगे भविख की शुरुआत करना चाहते हो तो ऑप्शन तुहाडे लई सोने दे सोगा काम कर सकती है चीरा साहब 2 मिनट का समय बचा पर यूक्रेन तुसीं कह रहे 3-4 लाख के बच्चा पहुँच सकता 2.5 लाख तो शुरू हो जाता खर्चा 10 साल का 15 साल का स्टडी गैप 30-35 साल की उम्र तो बंदा 2.5-3 लाख 3.5-4 लाख रुपये लागे यूक्रेन या यूरोप पहुँच सकता हूँ दूजे पास एड देते हैं कि दुबई जाओ पर दुबई से रुपया 10-12 लाख लग जाता हूँ एक पास 3-4 लाख की ऑप्शन दूजे मैंने 10-12 लाख की ऑप्शन फिर बच्चा दुबई क्यों जाए देखो मनीष जी किसी को माँ बादी तो किसी को सुवादी हर दे अपनी अपनी प्रोफाइल अपना अपना लिविंग स्टाइल अपना अपना वह जीवन जीवन का तरीका ढंग तरीका एक बंदा 100 रुपये की घड़ी ला के भी टाइम देख लगा एक बंदा रेडो की घड़ी 1 लाख रुपये ला के अपने मन में तसली दिता तो वह अपने आप यह साबित करता कि यार मेरा टाइम वधिया तो मैं महंगी घड़ी लाई है वो कहता वो तेरा टाइम दस दी मेरा टाइम दस दी और बंद ने पूछा भी ये घड़ी तुम 100 की लाई है तुम 1 लाख की लाई है फर्क ही दोवों च कहते जी वो तेरा टाइम दस रही है कि तेरे हालात तेरी वैल्यू या तेरी औकात की है और ये मेरा टाइम मेरे हालात मेरी औकात दस रही है सो अपने अपने बंदे की मैंटैलिटी है हुण हुण एक बंदा है एक बच्चा जिहड़ा पढ़ाई दे पासे नहीं तोरना चाहता आइल्स नहीं कर सकता पढ़ाई 10-12 साल का गैप पै गया बट वह किचन वाले पासे चंगा इंट्रस्ट है होटल इंडस्ट्री सर्व करना चाहता शैफ बनना चाहता कुक बनना चाहता यस दुबई का ICC कॉलेज मौका दिंदा तुहानू पढ़ा के 5-star, 3-star होटल जॉब लवा के साल 2 साल का एक्सपीरियंस दवा के कैनेडा अमेरिका UK वर्गे मुल्कों वर्क परमिट से या पक्के तौर पर जाता हूँ अज मैं लगता शायद 6 साल का समा हो चुक सूँ दुबई च ICC कॉलेज बच्चे भेजद
सैकड़े बच्चे अपना भविख अपने लैवल से बना चुके हैं। 18 to 32 साल की उम्र तक का कोई भी एप्लीकेंट जी पढ़ाई चाहे 20 साल का गैप पै चुका हो उम्र 18 to 32 साल तक चाहिए है। कोई भी मेल या फीमेल लड़का या लड़की एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता, किसी तरह के आईएलटीसी को लोड़ नहीं, पुरानी रिफ्यूजल चाहे 100 लगिया हो भी कोई दिक्कत नहीं। वीजे की गरंटी 100% मैं देता, 100% क्यों दे सकता, यही कहता कि मैं वैसे आप वीज़ा ला के देना, बट यस दुबई जी एप्लीकेशन लवेंगे उस वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर दुबई का वीज़ा रिफ्यूज साढ़े को 1 lakh rupees पेनल्टी है, ये आवाज़ तुहाडे कल तक पहुँच जानी है, अद्धी रेट सब कुछ सेव रहना यूट्यूब फेसबुक से 1 lakh पेनल्टी भरेंगे अगर दुबई का वीज़ा साढ़े को रिफ्यूज़ होंगे। 100% वीज़ादार 100% लगने लगना, पैसे सारे बाद भी दे सकते हो, रुपया भी पहला देने की लड़ नहीं। दुबई के 3 महीने का प्रोग्राम कराया जाएगा, इंटरनेशनल शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कलिनरी आर्ट्स का प्रोग्राम, 3 महीने पढ़ के 1 साल या 2 साल दुबई काम करके दुबई का एक्सपीरियंस लैके कैनेडा च वर्क परमिट से जॉब ऑफर के जाया जा सकता। नहीं 2 साल दुबई से लाना चाहते, 3 महीने पढ़ के 4th महीने सीधा कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया जा सकता। साढ़े को कई यहोजे कॉलेज ने जिथे एडवांस डिप्लोमा या डिग्रीज कराई जाने कलिनरी आर्ट्स दियाँ, डिप्लोमा दुबई पढ़ के विदाउट आइल्स उत्थों 6 बैंड लैके कैनेडा स्टडी वीज़ा जाया जा सकता। 1 साल पढ़ाई करो अलबर्टा के साथ कॉलेज है, 2 साल वर्क परमिट, 3 साल PR। मैं कैनेडा नाल थोड़ा फिर कनैक्ट जोड़ के देख लेना, बच्चे कोर्स ओरिएंटेड जिहड़े पढ़ाई दे जिहड़े जॉब ओरिएंटेड कोर्स चूज़ नहीं करते। कलिनरी आर्ट्स का प्रोग्राम कैनेडा अलबर्टा शहर च अवेलेबल है जिथे कॉलेज कमिटमेंट दिंदा 1 साल पढ़ाई, 2 साल पढ़ाई करने की लोड़ नहीं, 2 साल कॉलेज तुहानू LMIA दवाउंदा है फ्री दे विच, जो गवर्नमेंट फीस होनी है माड़ी मोटी उही पे करनी है, कोई लखा रुपया पे करने की लोड़ नहीं, जो LMIA के नाँ पर आम तौर पर 20-25 lakh रुपया उगराया जाता। 1 साल पढ़ाई करके 2 साल LMIA के बेस पर जॉब ऑफर, बच्चा काम करेगा वर्क परमिट पर आ जाएगा, 3 साल सीधा अलबर्टा PR विद अंडर अपनी PR अप्लाई की जा सकती है। अगेन ये भी फीस वीज़ा लगन तो बाद देनी है, ओवरऑल 6, 1 to 65 bands एक्सैप्टेबल है। आर्ट्स पढ़े हो, कोई डिप्लोमा इतने कुकिंग का किया या होम साइंस पढ़ी है +2 में, कोई भी एप्लीकेंट इस ओपरचुनिटी अवेल कर सकता। सो कई तरह की ऑप्शन अवेलेबल है, तुसी देखना है कि मेरे प्रोफाइल के मुताबिक, मेरे माँ प्यो के बजट के मुताबिक मैं किदा की कंट्री, किदा का कॉलेज, किदा के कोर्स पढ़ के एक चंगे भविख के पासे तोर सकता। हर कंसल्टेंट सिर्फ वीज़े की गल करता, कभी किसी ने चंगे भविख की गल नहीं की। अगर वाकई एक चंगे भविख बारे सलाह मशवरा करना चाहते हो, वीज़ा तो आ ही जाएगा, चंगी सलाह मिल गई ना तो वीज़ा अपने आप लग जाना, वीज़े पिछले ना भजो। चंगी सलाह अगर लेना चाहते हो अपने एक चंगे भविख को बनाने के लिए कि इंडिया तो किहड़े मुल्क, किहड़े कॉलेज, किहड़ी यूनिवर्सिटी, किहड़े कोर्स पढ़ के मैं एक चंगा भविख बना सकदा जो आने वाली मेरिया पूरिया पुश्तां तार सकदा, तो फिर इक्को एक नाम है जी RS ग्लोबल इमीग्रेशन। सलाह जरूर लियो, वीज़ा अप्लाई करना, एप्लीकेशन लानी तुहाडी मर्जी है, एक बार सलाह लैके जरूर इस चीज़ की तसली लै सकते हो कि वाकई बाकी 10 consultant दफ्तर जाके आए, बट जो इतने सलाह मिली वो कितने होर नहीं मिली। मेरे नाल मिलना चाहते हो सोमवार को जलंधर वाले ऑफिस, मंगलवार को अमृतसर दफ्तर में, तो शुक्रवार को मोहाली दफ्तर अवेलेबल है। IELTS करना चाहते हो, PTE करना चाहते हो, Duolingo करना चाहते हो, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, स्पोकन की तैयारी करना चाहते हो, RS ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंगुएज उन्होंने बच्चों की मदद करता जे IELTS मन चाहे बैंड्स लेना चाहते हैं। सो राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में सारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू मनीष जी, धन्यवाद।